फिल्म पूरी तरह से काल्पनिक है और यह एक ऐसी स्थिति पर आधारित है जिसमें एक व्यक्ति को लगता है कि वह सपनों और वास्तविकता के कभी ना खत्म होने वाले पाश में फंस गया है। वेटर, चलो मैं घर पहुंच के देखता हूँ, एक मिनट होल्ड कर लो। हाँ बताओ। क्या कह रहे हो, आवाज़ नहीं आ रही। एक सेकेंड में बाहर आके बात करता हूँ। ये क्या हो गया इन्हें? सर उठिए।
जी जी मुझे बाहर पड़ा हुआ मिला, एड्रेस देखा तो आपका था। आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना। साहब अभी आते ही होंगे। जी आप क्या लेंगे, ठंडा या गरम? नहीं कुछ नहीं, क्या मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, आगे से लेफ्ट। ये लोग कौन थे और मुझे क्यों मार रहे हैं? और वो एक और बंदा जो हर बार मेरे सपने में आ जाता है, वो कौन है? वो वेटर, वो सर्वेंट, इनकी क्या दुश्मनी है मुझसे? कौन है ये लोग? तो इस लूप से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, हम दोनों को शहर से बहुत दूर जाना पड़ेगा, बहुत दूर। बड़ा ही अजीब आदमी है, पता नहीं क्या क्या बोल के चला गया। मैं नहीं जा रहा इस शहर से।
तो परसों हो सकता है फिर? बता। नहीं, मैं सिर्फ कुछ समय के लिए ही हूँ शहर में। मैं शहर छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है फिर, चल बाय। वो वेटर, सर्वेंट और गैंगस्टर तो मेरे सपने में आए थे। वो लोग कौन थे छोड़ो, बट आज जो हुआ वो तो हकीकत थी। किसी का मरना कोई आम बात नहीं। मैंने कुछ लिया, किसी और ने कुछ खोया। अब मेरी ज़िंदगी एकदम नॉर्मल लोगों की तरह हो जाएगी। इट विल बी अ हैप्पी लाइफ। इस दुनिया में बहुत से अपने होते हैं जिन्हें हम भुलाना चाहते हैं, बट कुछ अपने नहीं होते जिन्हें हम कभी नहीं भुला सकते। ऐसा ही हुआ मेरे साथ। मैं एक लूप में फंस गया जिसमें मुझे बार बार मौत का सामना करना पड़ा। इस दौरान मेरे अपनों में से किसी ने मेरी मदद नहीं की, बट एक लड़का जो इस लूप में मेरे साथ था, उसने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया जो मैं 7 जन्मों तक नहीं चुका सकता। मुझे मरते हुए बचाकर उसने मेरी जान तो बचाई ही, साथ ही में ये लूप भी तोड़ दिया। लूप तोड़ने के लिए हमें एक दूसरे से दूर होना था। इतना दूर हो जाएंगे ऐसा मैंने सोचा नहीं था। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है तुम मुझे फिर मिलोगे। मेरी जान बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया। शुक्रिया उस अनजान व्यक्ति को जिससे मैं अब कभी अनजान नहीं होना चाहता।